जन जन के नेता, गरीबों के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, झारखंड राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, सह पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भैया योगेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ आए हुए तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण और साथ में जिला परिषद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित गोमिया के प्रतिष्ठित हमारे थाना प्रभारी महोदय, इस मंच पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, माताएं बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबको, मैं दुर्गा मंदिर की ओर से आप सभी को इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। और हमारे बीच में योगेंद्र भैया आए हुए हैं, बड़ा ही हर्ष की बात है। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया था, भैया आप इस त्यौहार में आकर के हमारे जो उत्साह है उसको और दुगुना करने का काम करें, हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, और उन्होंने हमारे निवेदन का स्वीकार किया, इसलिए उनका हम लोग बहुत आभारी हैं। और समिति की ओर से मैं अध्यक्ष होने के नाते, मैं मंदिर इस परिसर का जो समस्याएं हैं मैं उनके बीच में संक्षेप में रखना चाहूँगा कि हमारे इस पूजा स्थल में मंदिर के नाम से जमीन है, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार आप विधायक बने, और बने तो हम लोग को सर्व समाज धर्मशाला सब पूर्व प्रमुख सीताराम जी के स्मृति भवन का निर्माण हो, उस भवन में सभी जाति सभी वर्ग के लोग का विवाह हो, मरकी बरकी जितना भी हो, शादी विवाह हो, मीटिंग हो, और कम पैसे में हो, क्योंकि आज के दौर में किसी के घर में इतना जमीन नहीं रह गया कि घर में शादी किया जा सके। अभी जो इतना महंगा हो गया है होटल में शादी करना, ऐसे में गरीब लोगों का बहुत ही खर्चा गिर रहा है, इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप विधायक बनेंगे और सबसे पहले हम लोग के यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण कराएं, साथ ही इस प्रांगण के बीच में शिव मंदिर निर्माण जो है अधूरा है, हम लोग चाहते हैं दुर्गा पूजा के तुरंत दो दिन बाद इसका काम हम लोग पूरा करें, और इस माघ महीना में हम लोग इसका प्राण प्रतिष्ठा करके इस मंदिर को भी हम लोग चालू कर दें, क्योंकि मैं यहाँ गोमिया पंचायत में अभी तक एक भी शिव मंदिर नहीं है, दो शिव मंदिर है, वो पल्हारी पंचायत में आती है, अभी तो गोमिया पंचायत में 4-5 शिव मंदिर बन रही है, लेकिन सबसे तेज़ी से जो काम हुआ है अभी थोड़ा सा के लिए रुका हुआ है तो ये मंदिर है। अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये मंदिर निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं जनता के बीच में आप अपनी ओर से घोषणा कर दें, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लागू हुआ है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।